मेट्रो ने उत्तर प्रदेश के विकास में लगाए नए पर। 24 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के 3 बड़े शहर लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो दौड़ रही है। इन शहरों में मेट्रो का काम पूरा होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के अन्य दूसरे बड़े शहरों में मेट्रो का जाल बिछाने के लिए काम शुरू करने जा रही है। वहीं अगर बात लखनऊ मेट्रो की जाए तो यहां 23 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो चालू है, जिसमें 21 स्टेशन बनाए गए हैं और 23 किलोमीटर का ये सफ़र महज 30 से 35 मिनट में पूरा हो जाता है। लखनऊ ट्रेन जो है, इसकी एक खासियत ये है कि ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन हम करते हैं, वैसे हम पूरे दिन कर सकते हैं, बट हम सुबह 8 से शाम के 4 बजे तक करते हैं। 3 कोच की ट्रेन है, 4 कोच की लखनऊ में चलती है, 3 कोच की कानपुर में और 3 कोच की आगरा में। इसमें एडवांस फीचर्स में हमने कैमरे नॉट ओनली इनसाइड द कोच बट हमने बाहर भी लगा रखे हैं। जो पेंटोग्राफ है, हमारा जो तार को पावर लेता है, उसको भी हम CCTV से देखते हैं। अगर करंट कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, बाहर से भी इसको देख सकते हैं। सारे जो भी एडवांस फीचर्स किसी भी मेट्रो में हैं, वो शुरू से ही लखनऊ मेट्रो में LED लाइटिंग हो या रीजनरेशन की हमारी कैपेबिलिटी, मतलब ब्रेकिंग में जो हम पावर जनरेट करते हैं 45% तक है। नॉर्मली शुरू की मेट्रो में 25% से 30% थी, उसमें भी हम बहुत एडवांस हैं, 45%। बहुत सारे इनिशिएटिव UP मेट्रो ने लिए हैं टू कनेक्ट टू द पीपल एंड द यूजर्स ऑफ द सिटी। उसमें फ्यू फीचर्स आर, फ्यू ऑफ देम आर, वी गो फॉर सेलिब्रेशन, वी अलाउ सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज, फिल्म शूटिंग एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस, इन विच वी गिव द फुल कोच रनिंग ऑन अ रनिंग ट्रेन विद सम डेकोरेशन टू पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड। एंड हमने ये पाया है कि बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी इसमें बहुत आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा प्रेजेंटेशन के टाइम में बताया था कि 4 में से 3 जो हैं वो 35-40 साल के मम्मी पापा जो है बर्थडे मनाने आते हैं। 4.35 मेगावाट का हमारी कैपेसिटी है टोटल लखनऊ और कानपुर मिला के सोलर जनरेट करने की। इसके अलावा जो हम पावर एक्सचेंज से भी पावर लेते हैं तो थ्रू ओपन एक्सेस, उसमें 17% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, रिन्यूएबल में वो भी सोलर है। बड़ी मात्रा में जो हम ऊर्जा यूज़ कर रहे हैं वो ग्रीन एनर्जी।